हाँ भाई दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, और अधिगम के सिद्धांत में भी हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक या गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत को अपन ने पढ़ना शुरू किया था। उसमें से एक सिद्धांत अपन क्लियर पढ़ चुके हैं, जिसको अपन कहते हैं कॉलर का सिद्धांत, या जिसको अपन कहते हैं इनसाइड लर्निंग थ्योरी। आज की क्लास के अंतर्गत अपन एक सिद्धांत और पढ़ने वाले, और बहुत बेहतरीन सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आप उसको कह सकते हो, या बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है आप उसको मान सकते हो कि परीक्षा की दृष्टि से भी और एक सामान्य जो जीवन है उसकी दृष्टि से भी। चलिएगा, अपन बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं किस सिद्धांत की बात कर रहा हूं जो आज अपन पढ़ने जाने वाले हैं। आज जो सिद्धांत अपन पढ़ने जाने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, और इसका जनक है वाइगोत्स्की। अब यहां पे देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में दो तीन सिद्धांत आते हैं। जैसे जीन पियाजे को भी अपन संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का पढ़ेंगे। लेकिन आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहले वाइगोत्स्की का पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद जो है अपन जीन पियाजे को या अपन जो है जेरोम ब्रूनर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबने कॉग्निटिव थ्योरी ही दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ही दी है। तो ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जीन पियाजे का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जेरोम ब्रूनर का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। लगभग सबकी थ्योरी क्या है, सेम है, नाम एक है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया था, वो दिया था आपके वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था दोस्तों। कुछ जगह पे इसका नाम जो है आपके सामाजिक संज्ञानात्मकता के सिद्धांत के नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन इसका रियल नाम जो है, बस यही आपको याद रखना है कि इसको अपन कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वह प्रतिपादित किया गया था आपके जीन वाइगोत्स्की के द्वारा। अब देखिए यह सिद्धांत कैसे काम करता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके जो ये वाइगोत्स्की महोदय हैं, वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रशियन थे, है ना, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, आपके रूस के एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये अभी आपको हल्का सा ध्यान रखना है, रूस में ये निवास करते थे। अब देखिएगा, इन्होंने कोई खास प्रयोग नहीं किए, किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, केवल और केवल अपने तार्किक विचारों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से एक बालक का संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है, या किस तरीके से एक बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, इन चीजों के ऊपर बल दिया था। अब इनकी मूल थ्योरी क्या थी, या इनके सिद्धांत का मूल भाग क्या था दोस्तों, उसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं दोस्तों, उसके बारे में यदि मैं आपसे बात करूं कि वाइगोत्स्की जो है मूल रूप से किस प्रकार से जो है बात कहते थे, या मूल क्या था इनका, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की जो था, उनके पूरे सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सीखने के अंदर या संज्ञानात्मक विकास के अंदर तीन तत्वों की भूमिका को बड़ा महत्वपूर्ण माना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि संज्ञानात्मक विकास के तत्व, या मैं इनको ये कह सकता हूं कि घटक, या मैं यूं कह सकता हूं कि कारक, तत्व घटक, या मैं क्या कह सकता हूं कारक, इन्होंने तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण माना, बहुत अधिक तवज्जो दी। वो तीन चीजें क्या है दोस्तों, एक का नाम है भाषा, दूसरे का नाम है समाज, और तीसरे का नाम है संस्कृति। तीन चीजों को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना, एक का क्या नाम है भाषा, एक का क्या नाम है समाज, और एक का क्या नाम है संस्कृति। इनका ऐसा मानना था कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यदि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो उस ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यदि सर्वाधिक किन्हीं तत्वों की भूमिका रहती है, तो इन्हीं तीन तत्वों की क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों, भूमिका मानी जाती है। और वो तीन तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो तीन तत्व हैं आपके भाषा, समाज और संस्कृति। देख समझिए कैसे,
कि बालक एक सामाजिक प्राणी होता है। बालक का जो जन्म होता है वो समाज के सापेक्ष होता है, वो समाज के साथ में रहकर के अंतःक्रियाएं करता है, ये बात हम लोग भी मानते हैं। और आपको ये भी पता है कि बालक जिस समाज में रहता है उसके ऊपर उसी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, कि एक बालक का नेचर कैसा होगा, एक बालक की प्रकृति कैसी होगी, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि बालक किस प्रकार की संस्कृति के अंतर्गत रह रहा है। वो जिस प्रकार की संस्कृति में रह रहा है बालक का विकास भी लगभग उसी तरीके से होता है, बालक का डेवलपमेंट भी लगभग उसी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि हर व्यक्ति का एक कल्चर है, आप यदि पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भले ही हो सकता है कि किताबी ज्ञान हम दोनों का क्या हो, सेम हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक ज्ञान हम दोनों का अलग अलग है, सांस्कृतिक अनुसरण हम दोनों का अलग अलग है, सांस्कृतिक विचारधारा हमारी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसके पीछे कारण क्या है कि आपका जो पालन पोषण हुआ है वो अलग प्रकार की संस्कृति में हुआ है, मेरा जो हुआ है वो अलग प्रकार की, किसी और का जो हुआ है वो अलग प्रकार की। अब संस्कृति तो एक पार्टिकुलर एक एरिया के बीच में होती है, राजस्थान इतना बड़ा है, जैसे मान लीजिए मैं उदयपुर से सीधा जोधपुर चला जाता हूं तो कल्चर चेंज, इधर बीकानेर चला जाओ कल्चर चेंज, इधर नागौर आओ वापस कल्चर चेंज, कोटा चले जाओ कल्चर चेंज, हर जगह पे कल्चर चेंज है। इसलिए सांस्कृतिक विकास सबका अलग अलग होता है। अब ये कहता है कि वाइगोत्स्की कहता है कि बालक समाज के अंदर जन्म लेगा, संस्कृति का अनुसरण करता है, इसमें सर्वाधिक भूमिका निभाती है भाषा, कि बालक समाज का अनुकरण करता है। समाज में क्या है, समाज में संस्कृति है, अपन कहते हैं ना बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है। अब समाज में क्या है, संस्कृति है, बोल रहे हैं ये भी एक प्रकार की संस्कृति है, क्या पहन रहे हैं ये भी एक प्रकार की संस्कृति है, कैसे रह रहे हैं ये भी एक प्रकार की संस्कृति है ना, किस तरीके से बातचीत की जा रही है ये भी एक प्रकार की संस्कृति है। तो इनके अनुसार जो होता है कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है, बालक का जो विकास होता है, उसके अंदर सर्वाधिक भूमिका इन तीन तत्वों की रहती है, समाज, संस्कृति और क्या होती है, भाषा। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में रहेगा, उनकी संस्कृति में जिस प्रकार की भाषा होगी, उसका अधिकांश विकास उसी भाषा के रूप में होगा। यानी कि आप ये कहो कि इन तीनों तत्व में से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने जो माना है वो कौन सा माना है, भाषा को महत्वपूर्ण माना है, कि एक संज्ञानात्मक विकास में या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये कहते हैं कि आप एक से अधिक भाषा भी संप्रेषण के माध्यम से सीख सकते हो, है ना। वाइगोत्स्की ने एक छोटा सा सिद्धांत और दिया था जिसको अपन कहते हैं बहुभाषा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था वाइगोत्स्की ने कि वाइगोत्स्की कहता है कि एक बालक को एक से अधिक भाषा भी सिखाई जा सकती है, लेकिन उसका माध्यम क्या होना चाहिए, उसका माध्यम होना चाहिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन, उसके द्वारा भाषा सिखाई जा सकती है। ये बातें तो सारी की सारी ठीक है, लेकिन कभी कभी यह लगता है कि वाकई में वाइगोत्स्की बिल्कुल सही कहता है। कैसे, यहां पे एक बड़ा थॉट है फिलोसॉफी का, दर्शन शास्त्र का, जो मुझे याद है कि जो शिक्षा संस्कृति, समाज और भाषा को नहीं बचा सकती ना, वो शिक्षा एक समय के बाद में धीरे 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 अपने अस्तित्व को खोती चली जाती है। कोई भी चीज हो, समाज और संस्कृति का प्रकट होना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परंपरागत भी हो, संस्कृति का मतलब ये, संस्कृति तो अपडेट होती है, संस्कृति तो पूरी की पूरी बदलती है, कि आज से 200 साल पहले जो प्राणी जिस प्रकार रहते थे आज नहीं रहते, हमारे आने वाले 100 साल बाद में लोग आपको वैसे नहीं मिलेंगे, तो संस्कृति में अपडेट हो, लेकिन संस्कृति पाठ्यक्रम में आए, संस्कृति हमारे ज्ञान में आए, संस्कृति हमारे व्यवहार में आए। अपडेट होना कोई गुना नहीं है, क्योंकि अपडेट नहीं होगे तो खत्म ही हो जाओगे, अपडेट होना तो जरूरी है। मोबाइल भी देख लो, बार बार अपडेट मांगता है, एक बार अपडेट मांगा नहीं किया, दो बार अपडेट मांगा नहीं किया, तीन बार नहीं किया, चार बार नहीं किया, नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे फोन हैंग होने लग जाएगा और खराब होने की स्थिति में आ जाएगा। वही संस्कृति के साथ में, संस्कृति समय समय पर अपडेट मांगती है, यदि आप उसको अपडेट नहीं दोगे तो वो अपने आप क्या होती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी, उसका अपडेट होना जरूरी होता है। अब जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण देकर के कह देता हूं कि आपको पता जाएगा किस तरीके से। वाइगोत्स्की का यह मानना था कि आप बच्चे को जिस प्रकार से बनाना चाहते हो, या आप बच्चे को जैसा निर्माण करना चाहते हो, या आप बच्चे में जिस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हो, इस प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है, आपको कोई खास कार्य नहीं करना पड़ता है, इसके लिए बस इतना सा काम करना है कि आपके उस बच्चे को वैसे ही संस्कृति में रखना है जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे बालकों को एक सभ्य व्यक्ति बनाना है तो उसको सभ्य सोसाइटी में रखो, मुझे चोर बनाना है उनको चोरों के साथ में रखो, मुझे डकैत बनाना है डकैत के साथ में रखो, है ना, मुझे शिक्षक बनाना है तो शिक्षक जैसे गुणवान लोगों के साथ में रखो। तो उनका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, और प्रभाव पड़ने का मूल माध्यम होता है भाषा। जैसे अपन देख, कुछ परिवार ऐसे हैं या कुछ समाज भी ऐसी हैं जिन जो लोग क्या करते हैं कि बोलते वक्त अधिकांश अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसे आम भाषा में अपन गालियां कहते हैं, बोलते बोलते गालियां बोल देते हैं, और उनको लगता ही नहीं है कि इन्होंने गाली बोली, उनको ऐसा लगता है कि यह तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण का एक माध्यम है, एक है ना तकिया कलाम है, सपोर्ट लगता है बात को, बात
वजन भारी होती है, तो वो गालियां बोल देते हैं। अब ऐसी संस्कृति में जो बच्चे पल रहे होंगे आमतौर पर उनकी भाषा के अंदर भी गालियां अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसका रीजन है कि बच्चा तो उसी समाज में रह रहा है, उसी संस्कृति में रह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी चीज को सीखेगा। तो वाइगोत्स्की ने वाकई यहां पर बड़ी बात की थी कि ये तीन चीजें जो नहीं बचा सका वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहां पर दो प्रकार के फिल्म लेवल जो है बड़े चलते हैं, एक अपन बॉलीवुड जिसको अपन कहते हैं हमारा हिंदी सिनेमा, और एक दक्षिण सिनेमा साउथ की मूवी जिसको अपन कहते हैं। आप वर्तमान में देखोगे कि एक समय में बॉलीवुड मूवियों की वैल्यूज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, साउथ की मूवियों को कोई जानते नहीं थे, लेकिन आज कंडीशन पूरी की पूरी बदल गई, आज परिपाटी पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई है। आज सारे के सारे लोग केवल और केवल जानते तो साउथ की मूवियों को जानते हैं, आपके बॉलीवुड की मूवियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, बॉलीवुड की हिंदी मूवियों को कोई जानना ही नहीं चाहता है। इसके पीछे यदि मैं कारण जानना चाहूं या इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताना चाहूं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा समझिएगा कि हिंदी माध्यम की जितनी भी मूवियां थी वो आपके भाषा समाज और संस्कृति को न तो प्रदर्शित कर पाई न सुरक्षित कर पाई, इसी वजह से धीरे 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 अपने आप उनका त्याग होता चला गया। लेकिन साउथ या दक्षिण की जो मूवी है वो हर मूवी के अंदर अपनी भाषा को भी सुरक्षित रखते हैं, अपनी संस्कृति को भी सुरक्षित रखते हैं, अपनी सोशलिटी को भी सुरक्षित रखते हैं, हर मूवी के अंदर अपनी संस्कृति को दिखाते, अपने समाज को दिखाते, अपनी भाषा के प्रभाव को दिखाते, हर एक चीज को वो दिखाते, वो अपने आप में जो है दोस्तों बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपन को ऐसा नहीं लगता है कि वाकई में वाइगोत्स्की ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप भाषा समाज और संस्कृति का त्याग होते ही अपने आप वो चीज नष्ट हो जाती है, अपने आप वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है हमारा समाज, हमारा आधार है हमारी संस्कृति, हमारा आधार है हमारा भाषा। यदि वो तीनों चीजें समाप्त हो गई तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा, यानी कि हम जो सीख रहे हैं वो भी इसी से सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तीन चीजों का होना जरूरी है, एक भाषा का होना जरूरी है, एक समाज का होना जरूरी है, किसका जरूरी है, संस्कृति का होना जरूरी है। और भाषा में, भाषा विकास में इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना है वो किसको माना है, तो याद रखना इन्होंने महत्वपूर्ण माना है संप्रेषण को, जो है इन्होंने अधिक तवज्जो दी है या संप्रेषण को जो है इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना है। यह बात आपको यहां तक एक बार समझ में आ गई होगी, है ना, यह आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, यह भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी आपके ये तीनों तत्व हैं या ये तीनों घटक हैं ये आपसे संबंधित हैं, है ना, समाज जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है या संस्कृति की वजह से समाज है, है ना, संस्कृति है तो भाषा है, भाषा है तो संस्कृति है, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट हैं, ये तीनों आपस में क्या है मेरे दोस्तों, जुड़े हुए हैं। तो आपको ये कभी पूछ लिया जाए कि बताओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है या किन तत्वों को वो महत्वपूर्ण मानता है कि जिनके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है, तो तीन तत्वों को वो महत्वपूर्ण मानता है, वो क्या याद रखोगे, एक याद रखनी आपको भाषा, एक याद रखनी आपको समाज, और एक क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, कल्चर, या इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, संस्कृति कह सकते हैं। ये आपको हल्का सा क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, है ना। अब देखिएगा, ये तो हो गई इनके सिंपल सी बात, अब अपन बात करते हैं सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय। इनके संप्रत्यय इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको वाइगोत्स्की पढ़ूंगा और बढ़िया तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। संप्रत्यय, सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, प्रमुख संप्रत्यय में से एक संप्रत्यय जो आता है उसको अपन कहते हैं अंतःक्रिया। पहला संप्रत्यय जो दिया वो क्या दिया मेरे दोस्तों, पहला संप्रत्यय इन्होंने जो दिया था उसका क्या नाम था मेरे दोस्तों, इसका नाम था आपके अंतःक्रिया या आप अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया क्या होती है, ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक समाज में रह करके लोगों के साथ, उनकी संस्कृति के साथ, भाषाओं के द्वारा अंतःक्रिया करते हुए अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। यानी कि इनका ये मानना है कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें सर्वाधिक भूमिका यदि किसी की होती है तो वो अंतःक्रिया की होती है ना। अंतःक्रिया का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बालक अनुकरण से सीखता है, एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, बालक किसे सीखता है दोस्तों, अनुकरण से सीखता है। जैसे देखिएगा कि हम अपने जीवन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिसको केवल अपन देख देख करके सीखे, जो हमें सिखाई नहीं गई है। मैं कई बार, कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जब अपन सोचते हैं कि हमने ये कहां से सीखी। जैसे देखिएगा, मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ, आपको सबसे पहली बार ये किसने बताया कि ये चांद है, आपको सबसे पहली बार ये किसने बताया कि सूर्य है, आपको किसने बताया कि ये धरती है, आपको किसने बताया कि ये आकाश है, हमें नहीं पता।
हमें नहीं बताया कि ये किसने बताया था, तो फिर ये संज्ञानात्मकता हमारे अंदर आई कैसे, ये ज्ञान हमारे पास में हुआ कैसे, वो हम अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे। कोई चांद को देख करके चांद की बातें कर रहा था तो हमने भी सीख लिया कि ये आकृति, इसको चांद कहा जाता है। कोई धरती को देख करके धरती की बातें कर रहा था तो हमने भी उसको धरती कहना शुरू कर दिया। यानी कि हमारे अंदर जो ये नॉलेज बढ़ रहा है या हमारे अंदर जो ये ज्ञान बढ़ रहा है वो उसका माध्यम क्या है, तो उसका माध्यम है मेरे दोस्तों अंतःक्रिया। तो यानी कि वाइगोत्स्की यहां पर क्या कहना चाहता है, वाइगोत्स्की ये कहना चाहता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा दोस्तों, बालक समाज में, समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति के साथ भाषा के माध्यम से अंतःक्रिया करते हुए संज्ञानात्मकता का विकास करता है। क्लियर, ये आपका पहला संप्रति हो जाएगा जिसको अपन कहेंगे मेरे दोस्तों अंतःक्रिया या अनुकरण। दूसरा संप्रति इन्होंने यहां पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिया है दोस्तों, जिसका नाम है अधिगम। अब आप कहोगे कि सर अपन तो पहले टॉपिक अधिगम रहे हैं और अधिगम में भी इन्होंने संप्रति दे दिया अधिगम, तो बिल्कुल दोस्तों सही बात है। इन्होंने जो दूसरा संप्रति दिया था वो क्या दिया था दोस्तों, वो दिया था इन्होंने अधिगम। अधिगम के बारे में ये क्या कहते हैं, इनकी एक लाइन बड़ी अच्छी है और कई बार ये पूछी गई है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से या इसको थोड़ा सा आप गंभीरता से सुनिए। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का संज्ञानात्मक विकास करने के लिए पहले अधिगम का होना जरूरी है। यानी कि यदि आप किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास कर रहे हो, किसी का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, तो संज्ञानात्मक विकास से पहले अधिगम का होना जरूरी है। अब आप ये लाइन थोड़ी सी अटपटी लगेगी, क्योंकि अभी तक अपन ने जिन जिनको पढ़ा है या जिनको पढ़ रहा है, पढ़ना बाकी भी है, तो वो सब लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा अधिगम है वही एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, संज्ञानात्मक विकास के लिए पहले अधिगम का होना जरूरी है। जैसे देखिएगा कि किसी भी बालक को आप एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हो, एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हो, एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हो जिनके अंदर जो है आपके आदर्शवादिता के गुण भरपूर हो, तो आप क्या करोगे कि बालक को यदि नैतिकवादी बनाना है, बालक को यदि आदर्शवादी बनाना है, अच्छा सामाजिकवादी बनाना है, तो उससे पहले बच्चे को एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि बच्चे ने भाषा का अधिगम कर रखा होगा तभी आप उसके अंदर नैतिकता के गुण भर पाओगे। यदि बच्चे को भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो आप उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास कर ही नहीं सकते। यानी कि प्रत्येक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से पहले लर्निंग होनी जरूरी है, कि एक अधिगम के बाद ही हम संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न घुमा करके या बड़े रूप में हमसे कभी पूछ लिया जाए, एक विस्तृत रूप में हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है या ऐसा कौन सा विचारक है जिसने ये बात कही थी कि अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक विकास से पहले की प्रक्रिया है। ये बात आपको ध्यान रखना, आपको पूछ लिया जाए ये प्रश्न ऐसे बना करके, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। अधिगम और संज्ञानात्मक विकास दोनों समान प्रक्रियाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए पहले अधिगम का होना जरूरी है, या पहले संज्ञानात्मक विकास होता है उसके बाद में अधिगम होता है। बड़ी सिंपल सिंपल से ये चार लाइनें होंगी, बड़ा सिंपल सिंपल सा ये प्रश्न होगा, लेकिन आपको एग्जाम रूम के अंतर्गत, एग्जाम हॉल के अंतर्गत यही प्रश्न सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि मुझे इसका उत्तर क्या देना है। बड़ा सिंपल सी लाइन है, जबकि ये एक संप्रत्यय किसने खुद ने दिया है अधिगम का, जिसने ये लाइन साफ साफ बोली है और अपनी लाइन के अंदर इस चीज को स्पष्ट भी किया है कि किसी भी प्रकार का संज्ञानात्मक विकास तभी हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तभी हो सकता है जब हमने पहले अधिगम कर रखा हो, पहले कुछ चीज हमको सीखनी पड़ती फिर हमारा ज्ञानात्मक विकास शुरू होता है। जैसे देखिएगा, मैं साइकोलॉजी को जानता हूं, मैंने साइकोलॉजी को लर्न कर रखा है, साइकोलॉजी का मैंने अधिगम कर रखा है,
अब यदि मैं कुछ तार्किक विचार करूं, कोई चिंतन करूं, कोई मनन करूं और अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा हूं, तो इसके लिए मेरे पास में एक बेसिक लर्निंग बेस तो होना चाहिए, एक है ना, एक लेवल तो होना चाहिए कि विषय का एक ज्ञान तो होना चाहिए, तभी तो मैं उसके ऊपर तर्क कर पाऊंगा और तर्क करूंगा तो मेरे संज्ञान का विकास होगा। यदि मेरा लर्निंग बेस भी क्लियर नहीं है तो मैं किसी भी प्रकार का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। ये बात कौन कहता है मेरे दोस्तों? ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको क्या याद रखना है? वाइगोत्स्की के अनुसार ध्यान रखना है, अधिगम संज्ञानात्मक, अधिगम संज्ञानात्मक विकास से पहले की प्रक्रिया है। एकमात्र विद्वान है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना, इनके अलावा किसी ने भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। केवल एक ही व्यक्ति यह मानता है कि पहले अधिगम होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा। यहां तक समझ में आ गया? दो संप्रति पढ़ा, एक तो अपन ने पढ़ा अंतःक्रिया या अनुकरण। अंतःक्रिया में अपन ने क्या पढ़ा? अंतःक्रिया के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि एक बालक समाज में या संस्कृति में भाषा के द्वारा, या मैं यूं कह सकता हूं कि आपके संस्कृति में लैंग्वेज के माध्यम से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। एक ये कहता है कि देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब बालक ने किस प्रकार का विकास कर रखा हो। तो ध्यान रखना, जब बालक ने आपके क्या कर रखा हो मेरे दोस्तों? अधिगम कर रखा हो, यह भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। एक अंतिम संप्रति दिया था जिसका नाम था संज्ञानात्मकता। संप्रति तो इनके बहुत पढ़ने, लेकिन तीन संप्रति अपन एक बार क्लियर कर लेते। संज्ञानात्मकता, एक संप्रति और आता है कि संज्ञानात्मकता। संज्ञानात्मकता क्या कहता है समझिएगा। संज्ञानात्मकता के माध्यम से वाइगोत्स्की ये कहना चाहता है कि कोई भी बालक यदि है ना, तो उस बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले से ही पाए जाते हैं। प्रत्येक बालक में संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले से होते हैं, बालक बस उस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास करके अपने आप को समाज के सामने प्रूफ करता है कि मैं ये कर सकता था और मैंने ये करके दिखाया। जैसे देखिएगा, मान लीजिएगा कि आप एक अच्छे वक्ता बन गए, आप एक अच्छे स्पीकर बन गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक अच्छा वक्ता या आपके अंदर एक अच्छा स्पीकर बनने का गुण तो पहले से ही पाया जाता था, पहले से ये गुण आपके अंदर है, बस आपने उस गुण को विकसित करके अपने आप को प्रूफ कर दिया और समाज को ये दिखा दिया कि मैं अच्छा वक्ता बन सकता था, ये क्वालिटी थी मेरे में, तभी मैं बना। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करके, किसी भी प्रकार का संज्ञानात्मक विकास करके यदि कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये गुण उस बालक में पहले से ही मौजूद है। बालक समाज में केवल उसको प्रदर्शित कर रहा है, बालक समाज में केवल उसको क्या कर रहा है दोस्तों? प्रेजेंट कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। जैसे एक सिंपल से उदाहरण के माध्यम से इस चीज को अपन क्या करते हैं, समझते हैं, है ना, है ना। तो हो सकता है मैं लंबे टाइम के बाद आपसे जुड़ा हूं, तो एनर्जी थोड़ी डाउन हो सकती है, और क्लासें भी अभी मैं ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, छोटी छोटी क्लासें लूंगा, क्योंकि एक घंटे तक लगातार मुझे नहीं बोलना है और मैं फुल एनर्जी के साथ बोल ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। जिस एनर्जी से अभी बोल रहा हूं, ऐसा यदि मैं एक घंटे बोल भी नहीं सकता अभी कुछ दिनों तक, तो मेरी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट आधा घंटा तक की मैं क्लास ले लूंगा, एक बार आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो एक दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। 5-7 दिन में जब जैसे ही थोड़ा सा मैं अपने आप को व्यवस्थित और फिट महसूस करने लग जाऊंगा, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। समस्याएं बड़ी भारी थी, इतनी लॉजिक आप में ईमानदारी से बताऊं तो इतनी तो थी कि मेरी जगह पर यदि कोई और शिक्षक होता और ये पढ़ा रहा होता और उसको जैसा डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें इस प्रकार की समस्याएं हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, वो 3 महीने की छुट्टी लेकर के घर पे सो जाता। मैं तो तीसरे दिन फिर भी पढ़ाने आ गया हूं। उनके अंदर इतना भय होता है, क्योंकि उसने जो बताया है ना, वो सुनने योग्य नहीं है। एक बार तो व्यक्ति के अंदर डर पैदा कर देता है कि नहीं कहीं जीवन को समाप्त नहीं कर दे, कि जीवन को खत्म नहीं कर दे। लेकिन हम तो क्या कि प्रैक्टिकल आदमी, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ज्यादा इस चीजों के ऊपर सोचते नहीं, और ये भी मानते हैं कि ज्यादा सोचने से साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चीजें रीड होती है, वो प्रभाव में बदलती है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा मानते नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, है ना, मानसिक विचार अपने जगह पर, शारीरिक समस्याएं अपने जगह पर, तो ध्यान तो इसके बारे में रखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि 5-7-10 दिन का गैप ले लूँ और आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाए।
हैं तो एक बार अपन छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से जुड़ेंगे, तो जिसे आपका जो है कोर्स भी विधिवत चलता रहे और आप जो है सीख भी लो, है ना। अभी सुबह वाली जो मेथड्स वाली क्लास है उनको हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे, वो भी मैं नहीं लूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि लंबी लंबी लगाऊंगा, जो 25-25 मिनट की क्लास है ना वैसे ना करके हफ्ते में एक क्लास लेकर के आया तो पूरा टॉपिक पढ़ा के ही क्लास पूरी करूंगा, तो ऐसे करके मैं आपको वहां पे कोर्स इस तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। लेकिन एक बार यहां से आपको पूरा का पूरा समझना है। देखिए संज्ञानात्मकता क्या कहती है समझिएगा। संज्ञानात्मकता का मतलब यह होता है कि बालक के अंतर्गत जो है गुण तो पहले से पाया जाता है, समाज उसके समाज के सामने वो उसको प्रूफ करता है। जैसे देखिएगा, आपके अंदर शिक्षक बनने की क्वालिटी तो पहले से ही थी, आप टीचर बन सकते थे, बस आप क्या कर रहे हो कि शिक्षक बन के समाज के सामने अपने आप को स्पष्ट करोगे, समाज के सामने अपने आप को साबित करोगे कि मेरे अंदर शिक्षक बनने का गुण था तभी मैं ये शिक्षक बना हूं। यानी कि प्रत्येक बालक में संज्ञानात्मक विकास के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए तो एक विशेष प्रकार का इंटरेस्ट या अभिरुचि हमारे अंदर जगती है। हम शिक्षक, हम टीचर ही क्यों बनना चाह रहे हैं, किसी और फील्ड को तो अपन लेने नहीं चाह रहे, किसी और फील्ड को तो अपन टच कर नहीं पा रहे, तो केवल और केवल शिक्षक ही क्यों बनवा। तो इसके पीछे ये कारण है कि हमारे अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के जो थॉट है, जो हमारे अंदर घटक है, जो हमारे अंदर जो कारक है, वो कारक अधिक है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे थे। एक विशेष प्रकार का जो इंटरेस्ट हमारे अंदर आता है वो इसी वजह से आता है कि उस इंटरेस्ट से जुड़े हुए संज्ञानात्मकता के गुण हमारे अंदर पहले से पाए जाते हैं। तो तीसरा इनका स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तीसरा इनका स्टेटमेंट्स ये हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के गुण प्रत्येक बालक में पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं या पहले से ही पाए जाते हैं, समाज के सामने वो केवल उसका प्रदर्शन करता है, समाज के सामने केवल वह उसको प्रदर्शित करता है, उसको प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर। ये आपके क्या हो जाएंगे, तीन गुण। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक एक छोटा सा पढ़ा था, अपन ने कोई ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। मैंने ये कहा था कि आपके अपन पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो एक रूसी वैज्ञानिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और वाइगोत्स्की का क्या मानना है, वाइगोत्स्की कहता है कि प्रत्येक बालक में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए तीन प्रकार के पहलू पाए जाते हैं, एक समाज, एक संस्कृति और एक भाषा। इन तीनों के माध्यम से ही बालक के अंदर समाज का विकास। अब अपन कह रहे ना संज्ञानात्मक, क्योंकि पहले से ही बच्चा यदि किसी समाज में रह रहा है तो समाज और संस्कृति से उसने कुछ तो सीख ही लिया होगा, तो इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास के गुण तो उसके अंदर जन्म से ही भर दिए गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास में इन तीनों की भूमिकाएं सबसे ज्यादा होती है, और ये तीनों घटक आपस में अंतर संबंधित होते हैं, आपस में ये क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिकांश भूमिका इसके अंदर भाषा की रहती है। वाइगोत्स्की ने एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम है बहुभाषा का सिद्धांत। भाई क्या नाम दिया था, बहुभाषा का सिद्धांत, नोट डाल करके लिख देना। एक और सिद्धांत दिया था इसने जिसका नाम है बहुभाषा का सिद्धांत। ये कहना चाहते हैं कि एक बालक को एक से अधिक भाषा भी सिखाई जा सकती है, लेकिन उसका माध्यम क्या होना चाहिए, तो उसका माध्यम होना चाहिए संप्रेषण। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों को भाषा का ज्ञान सरलतम रूप में कैसे कराया जा सकता है, तो बालकों को सरलतम रूप में ज्ञान कराने का काम केवल और केवल क्या कर सकता है, संप्रेषण के माध्यम से भाषा सिखाई जा सकती है। फिर अपन ने पढ़ना शुरू किया था संप्रति, और पहला संप्रति पढ़ा अंतःक्रिया या अनुकरण। बालक समाज और संस्कृति के साथ में अंतःक्रिया करते हुए भाषा के माध्यम से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गति देता है, अपने संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है दोस्तों, गति देता है। अधिगम के बारे में इनकी एक संकल्पना है कि अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक विकास से पहले की प्रक्रिया है, कि पहले अधिगम होता है उसके जस्ट बाद में जो है क्या होता है मेरे दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मकता के बारे में ये क्या कहते हैं, संज्ञानात्मकता के बारे में कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले से ही बालक के अंदर पाए जाते हैं, बालक समाज में केवल उन गुणों का प्रदर्शन करता है, केवल उन गुणों को प्रकट करने का काम करता है, इससे अतिरिक्त कुछ भी। ये तो इनके बेसिक हो गए दोस्तों, क्या हो गए दोस्तों, बेसिक हो गए। इसके बाद भी इन्होंने तीन संप्रति और दिए थे, कितने संप्रति और दिए थे, तीन। एक का नाम है दोस्तों स्केफोल्डिंग, स्केफोल्डिंग
एक का नाम है आपके एम के ओ और एक का नाम है जेड पी डी। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों इंपॉर्टेंट को अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंतर्गत, है ना। मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं थोड़ा सा रुझान, अब आपको मुझे गति देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप कैसे ऊर्जा देते हो ये तो अब पता चलेगा कि आपका फीडबैक आप किस प्रकार से देते हो क्लास का। तो जैसे ही मुझे ऊर्जा दोगे उसी अनुरूप में कल आपके सामने फिर से प्रकट हो जाऊंगा। तो कुछ चीजें आपके सामने ये बनी हुई रही, तो इसको आप पढ़ें, सीखें, जाने, समझे और याद रखें। तो आज की क्लास के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।